तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस ट्रिकी क्लास में। यानी ट्रिकी क्यों, क्योंकि ये ट्रिक से बना हुआ है, बहुत ही आसान है। आपको डेट याद करने में, फाइव लेसन में अगर दिक्कत हो रहा है कौन से मशीन का कैसे आविष्कार हुआ, तो यहाँ पे ट्रिक दिखा है, बहुत ही जबरदस्त है। यानी लिखा है यहाँ पे, फ्रेम लगाकर जानू फ्लाइंग किस किया, ध्यान से सुनिएगा, फ्रेम लगाकर जानू फ्लाइंग किस किया और देखकर मेरा फ्यूल और पावर गुम हो गया। इस क्या कहने का मतलब कि देखिए, ये पूरा डेट इसी से याद हो जाएगा। आपको कैसे याद होगा, ट्रिक ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कुछ देर के लिए कि आपकी सेटिंग अगर छत के ऊपर है, तो यहाँ क्या होगा ध्यान से समझिएगा, तो वो क्या करेगी, दूर से फ्लाइंग किस करेगी। इसका मतलब कि खिड़की के जरिए करेगी, तो खिड़की एक प्रकार का फ्रेम है, तो फ्रेम लगा कर, यहाँ समझिएगा, फ्रेम लगा कर जानू फ्लाइंग किस किया, फ्रेम से हो जाएगा स्पिनिंग फ्रेम, ठीक है। उसके बाद से हो जाएगा जानू, से हो जाएगा स्पिनिंग जेनी, जेनी आ जाएगा, ठीक है। और फ्लाइंग से हो जाएगा फ्लाइंग शटल, ठीक है। आइए वाला आप अपवाद रखिए, ध्यान से समझिएगा। यानी कि फ्रेम, जानू और फ्लाइंग, ये तीन चीज आए ना, फ्रेम, जानू और फ्लाइंग। पहले फ्रेम लगा, फिर जानू उस पर आई और उसने फ्लाइंग किस दिया, ठीक है। तो तीन से हो जाएगा स्पिनिंग फ्रेम, स्पिनिंग जेनी और फ्लाइंग शटल, ठीक है। अब देखो, देखकर मेरा फ्यूल और पावर गुम हो गया। अब जब जानू को देखे, बाप रे इतना रिस्क लेके आई, तो मेरा हालत खराब हो गया, पावर गुम हो गया। फ्यूल मतलब तेल खत्म हो जाना, पावर गुम हो गया। अब देखिए, फ्यूल से याद रखिएगा स्पिनिंग म्यूल, स्पिनिंग म्यूल, और पावर गुम से हो जाएगा पावर लूम, पावर लूम भी एक प्रकार का मशीन है, ठीक है। तो आपको इतना जरूर याद होगा, कैसे याद कीजिएगा, फ्रेम लगाकर जानू फ्लाइंग किस किया और देखकर मेरा फ्यूल और पावर गुम हो गया, ठीक है। इसका एक और तरीका है, डेट याद कैसे रखें, ये तो लाइन से हो गया मशीन का नाम, ठीक है, लेकिन कौन से मशीन कब आया ये कैसे याद कीजिएगा, इसका भी तरीका है, 1366 याद रखिएगा। 1366 का मतलब क्या हुआ, ये देखिए 13 याद रखिएगा, ऐसे 1769 एक डेट याद रखिएगा, ठीक इसके एक साल के बाद 1770 हो जाएगा, ठीक इसके कितने साल बाद, 3 साल बाद 1773 हो जाएगा, फिर इसके कितने साल बाद, 6 साल बाद 1779 हो जाएगा, फिर 6 साल के बाद, दो बार 6 साल के बाद, तो 1785 हो जाएगा। ये टोटल डेट आपको याद हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप, टोटल डेट आपको याद हो जाएगा। यहाँ मिला ये तो पूरा का पूरा डेट है कि नहीं, यानी कि आप याद रखना 1366, ये ट्रिक क्या है, 1366, और ये क्या है, फ्रेम लगाकर जानू फ्लाइंग किस किया, देखकर मेरा फ्यूल और पावर गुम हो गया। तो ये आपको जरूर समझ में आया, ज्यादा से ज्यादा अपने प्यारे दोस्तों में और सबके पास शेयर कीजिए। यहां देखिए, अब एक कहानी समझते हैं, ये तो आपको याद हो गया, अब ये भी याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, आपके एग्जाम में बहुत जबरदस्त नंबर आने वाला है। गौर से देखिएगा, यहां पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मशीनीकरण जानना है हमको, औद्योगीकरण के बारे में जानना है। लेसन का नाम क्या है बाबू, अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था, अर्थ माने पैसा, अव्यवस्था यानी पैसा का, अगर जिस काम को करके आप पैसा का व्यवस्था कर रहे हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। हम बोले हैं कि मेरा अर्थव्यवस्था खराब है, इसका मतलब हमारा अर्थ का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, पैसे का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। जिस क्रिया द्वारा हम क्या करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, उस काम को, मतलब किसी भी काम को कर है, तो उसे हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। आजीविका माने होता है जीवन चलाना, इसी के बारे में जानना है कि आखिर इस देश में, इस दुनिया में लोग क्या क्या करते हैं अर्थ का व्यवस्था करने के लिए, ठीक है, जिससे उनकी आजीविका चलती है। तो शुरू में तो हाथ से ही काम करते थे बाबू, किससे करते, हाथ से काम करते, मशीन तो था नहीं, लेकिन कैसे, जब हाथ से काम करते थे तो सामान एक दिन, पूरा दिन लग जाता था एक सामान बनाने में, जबकि खरीदने वाले बहुत लोग थे, पैसे वाले, तो क्या होता था, एक ही सामान पर बहुत लोग आ जाते, हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। तो उसके लिए कारीगर सोचा कि नहीं, अब हमको ऐसा करना है कि एक दिन में 2 सामान बने, तो कुछ मशीन वगैरह, दिमाग वगैरह खूब लगाया, हाथ से ही बनाना शुरू किया, ठीक है। इस तरह से आविष्कार हुआ, यानी जब जब जरूरत पड़ा कि नहीं हमको ज़्यादा बनाना है, तो कुछ नया सोचेंगे, और जब नया सोचेंगे तो नया आविष्कार होगा। बैठकर इंसान हर बार समय को बर्बाद करता है, मेहनत करने में मेहनत कर लगेगी, इसलिए दिमाग से तकरार करता है, और अंत में कम समय में ज्यादा काम करने वाली मशीन का आविष्कार करता है। और वही काम हुआ, कम समय में ज्यादा काम करने वाली मशीन का यहां आविष्कार हुआ है। देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं देश के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में। शुरू शुरू में हमारे पास मशीन नहीं था, तो जीवन चलाने का एक ही साधन था, और वो था कृषि, यानी कि खेती था। यानी किसी भी देश का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है बाबू, कृषि होता है। इतना समझ में आया, आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आधार, मूल आधार क्या होता है, तो खेती यानी कृषि होता है।
कृषि तथा उद्योगों का मशीनीकरण, यानी कि जब कृषि और उसका औद्योगीकरण यानी कि उद्योगों का मशीनीकरण प्रारंभ हुआ 18वीं सदी में, सबसे पहले कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। याद रखिएगा कि कृषि और उद्योग ये जितने भी चीज़ें ये मशीन से कब होने लगा, तो 18वीं सदी में शुरू हुआ। कहाँ होने लगा? ब्रिटेन में, अंग्रेज के देश में। याद रखिएगा सब अंग्रेजों सब गोरखा सब में। यहाँ देखिए मशीनीकरण के तहत, मशीनीकरण के तहत घरेलू पत्ति के जगह कारखाना पत्ति, यहाँ के जगह होगा, यानी जब मशीन आया ना तो उस जगह जानते हो क्या होगा, घर में के जो भी हाथ से चीज़ें बनती थी वो बंद हो गया और उसके जगह कारखाना पत्ति आ गया, यानी कि कारखाना में हर चीज़ बनने लगा। पहले बाबू हर चीज़ कहाँ बनता था? घर पे बनता था, लेकिन आज देखिए वो फैक्ट्रियों में बन रहा है। तो ये मशीन के आने से हुआ और सबसे पहले ब्रिटेन शुरू किया, क्योंकि यहीं पर एक दूसरे में कॉम्पिटिशन जारी हुआ। देखें कैसे, बहुत पहले की बात है, 1750 तक ब्रिटेन में तो कुछ था ही नहीं। 1750 में ब्रिटेन में बाबू कुछ नहीं था, तो क्या था भाई? तो यहाँ देखिए ब्रिटेन कृषि प्रधान देश था, जैसे अभी भारत कृषि प्रधान देश है ना। कृषि प्रधान का मतलब सबसे ज़्यादा कमाई कृषि से होता था, किसको? ब्रिटेन को। 1750 में मशीन वशीन कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ पर 80% लोग खेती पर डिपेंड थे, सब लोग खेती करते थे, यानी खेती पर डिपेंड होकर अपनी आजीविका को पूरा करते थे। इतना समझ आया? अब देखिए यूरोप के अन्य देशों के साथ साथ ब्रिटेन, यूरोप में तो बहुत सारे देश आते हैं, फ्रांस जर्मनी सब वहीं आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ब्रिटेन अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए मानव चालित यंत्रों द्वारा उत्पादन। अब पूछिएगा अंतरराष्ट्रीय बाजार क्या होता है? तो देखिए सभी देश जितने भी देश हैं वो एगो बाजार में आएंगे, वो अपना सामान उसको बेचेगा, वो अपना सामान उसको बेचेगा, एक दूसरे से सामान बेचेंगे और सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। तो आपके पास कुछ रहेगा तब ना जाइएगा सामान बेचने। तो वहाँ उस समय ब्रिटेन में सबके घर में छोटा छोटा कुटीर उद्योग था। कुटीर उद्योग मतलब क्या होता है? घर में ही सब कुछ बनता था, ठीक है। अब घर में बनता था तो पूरे घर में बनता था, तो सब लोग इकट्ठा करके और तब ले जाके ब्रिटेन के लोग कहाँ बेचते थे? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते थे, ठीक है। तो उस समय मानव चलित यंत्र, माने कि मानव चलित, मानव द्वारा जो हाथ से चीज़ें बनाई जाती है, हाथ से चीज़ें चलाई जाती है, मशीन वगैरह हाथ से चलाती, तो उसी के द्वारा वो सब उत्पादन किया जाता था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाया जाता था। लेकिन मामला फंस गया। क्या हो गया कि जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सब चीज़ आने लगेगा, ठीक है, तो सभी लोग लगे खरीदने, जब खरीदने लगेंगे तो सामान कम पड़ गया, बेचने वाले कम पड़ गए, तो बेचने वाले कम पड़े तो उत्पादन करवाना पड़ेगा ना। तो यहां उत्पादन देखिए कैसे होता है। 17वीं 18वीं शताब्दी में गिल्ड्स प्रथा। अब व्यापारी सोचने लगे कि भाई अब मान लीजिए कि गांव में हम लोग जा रहे हैं, व्यापारी लोग ही जाएंगे ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जहां सभी देश के लोग पहुंचेंगे वहां बड़े बड़े व्यापारी लोग, आई व्यापारी लोग छोटे छोटे किसानों से जो भी घर में बनाते थे उसको ला करके अब मार्केट में बेचते थे। अब समझिएगा यहाँ पर गिल्ड प्रथा सब शुरू कर दिया। बड़ा बड़ा जो व्यापारी था बोला गिल्ड प्रथा हम शुरू करते हैं। अब गिल्ड प्रथा क्या होता है? तो बोल रहा था कि हम जितना व्यापारी हैं व्यापार पर सिर्फ हम नियम लगाएंगे, यानी जो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, अब बोल रहे थे कि नया अब व्यापारी नहीं बन किसी को बनने देना है, अगर कोई आ रहा है गांव से सामान बेचने के लिए तो उसको नहीं बेचने देना है, यानी कि नए व्यापारी को जन्म ही नहीं होना है। अब जितने लोग हैं हम ही लोग गाँव से खरीदेंगे, भले सस्ता में खरीदेंगे, इधर आके महंगा में बेचेंगे, लेकिन कोई किसी को नहीं बताएगा। गिल्ड प्रथा वही है, नए व्यापारी उत्पन्न नहीं, व्यापार के लिए नया नियम बनाना गिल्ड प्रथा का काम था, ठीक है। ये सब व्यापारी लोग ही बनाते थे बड़े बड़े। अब देखिए व्यापारियों का गांव की तरफ रुख, बाद में वो लोग सोचा कि ये काम करते हैं। अब तो यहाँ पे हर चीज़ का महंगाई बढ़ने लगा, यानी कि सामान मिलता ही नहीं था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ठीक है। तो सभी कुछ व्यापारी जो आने वाले थे तो गिल्ड वाले लोग नहीं आने दे रहे थे, तो वो लोग सोचे कि हम लोग गाँव में सब सामान घूम घूम के खरीद लेते हैं, ठीक है। तो गाँव के तरफ रुख कर लिया और वहाँ पर किसानों को ट्रेनिंग दिया कि सामान कैसे बनाया जाता है, प्रशिक्षण दिया, और प्रशिक्षण देने के बाद से अपने में उन्होंने किस यहाँ पे देखिए किसान होगा, किसान मजदूरों को क्या किया? प्रशिक्षण दिया, यानी सिखाया और देकर काम लेना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? काम लेना शुरू कर दिया और वस्तुओं की मांग में वृद्धि, और इस तरह से वस्तु खूब ज़्यादा किसान बनाया और पूरा मार्केट में मतलब पूरा बिकने लगा, और बिकने के बाद फिर भी इतना बिकने के बाद भी शॉर्ट हो जाता था। माल शॉर्ट होने का मतलब क्या होता है? यानी कमी हो जाती। अब हाथ से कितना कोई बनाएगा, ठीक है। अब देखिए रोजगार में वृद्धि, अब लेकिन पूरा का पूरा ब्रिटेन के लोग सब लोग काम में
में लग गए। कोई आदमी खाली नहीं था, स्त्री पुरुष जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे, अरे भाई काम इतना ज़्यादा था कि बच्चे तक काम करने के लिए मजबूर हो गए। यानी सब लोग कोई बेरोजगार नहीं था, सबको रोजगार मिल रहा था, ठीक है, लेकिन हाथ से काम करोगे कितना। फिर उन्हें कुटीर उद्योग का तेजी से विकास हुआ, हाथ से जो भी काम करने वाले लोग हैं उन लोगों में खूब विकास हुआ, बहुत खुश थे कि बाप रे मेरे को खूब काम मिल रहा है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं आदि औद्योगिकरण। क्या बोलते हैं? आदि औद्योगिकरण। किसे बोलते हैं? हाथ द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाती है और उसे मार्केट में बेचा जाता है उसी को कहते हैं आदि औद्योगिकरण, यानी औद्योगिकरण। मशीन के पहले के ज़माने को क्या बोलते हैं? आदि औद्योगिकरण। लास्ट में सब व्यापारी थक गए कि पूरे गांव के लोग बूढ़े बच्चे सब लोग मिल करके व्यापार कर रहे हैं, सॉरी सामान बना रहे हैं, तो भी जा करके मार्केट में सामान खत्म हो जा रहा है। कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि ताकि एक आदमी बहुत सारा काम कर दे। जैसे एक नहर को खोदने में पहले कुदाल से कई दिन लग जाते थे, कई मजदूर लगते थे, आज मशीन आ गया है, मशीन जेसीबी वगैरह आ करके खोद के चला जा रहा है, ठीक है। तो मशीन का निर्माण हुआ जब सोचा गया कि जरूरत तो है, तो जब जब जरूरत पड़ता है लोग दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगा के नया आविष्कार करते हैं ताकि आसानी से काम हो जाए और जल्दी हो जाए। तो देखिए सबसे ज्यादा कपड़ा का फैक्ट्री चलता था उस समय, सबसे ज्यादा व्यापार किसका था? कपड़ा का व्यापार था। तो कपड़ा का व्यापार के लिए क्या चाहिए? धागा चाहिए, धागा समझते हो ना, धागा चाहिए। और धागा बनाने के लिए बहुत समय लगता था, उसके लिए मशीन का आविष्कार किया और वही वो ट्रिक हम बताए थे। सबसे पहले औद्योगिकरण का कारण क्या था? तो भाई आवश्यकता पड़ा, आवश्यकता पड़ा तो हम आविष्कार किए। आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है? जननी है। यहाँ देखिए उत्पादन की मांग में जब वृद्धि हुई, उत्पादन का मांग बढ़ने लगा तो आवश्यकता जरूरी बन गया, ठीक है, और आविष्कार जरूरी बन गया। आविष्कार हुआ तो नया मशीन बना। यहाँ देखिए 1769 में क्या बना? स्पिनिंग फ्रेम बना, यानी कि फ्रेम में देख कर जाएंगे। और इसे सूत काटा जाता था, सूत काटना पहले चरखा से काटा जाता था, ठीक है। आप लोग कभी मतलब पुराने ज़माने में, अब तो आप लोग नहीं देखे होंगे, ठीक है, पहले सोन हुआ करता था, सोन सनई से निकलता था, सनई एक लकड़ी होता है, और सोन को पुराने लोग ऐसे एक ऐसे होता था इसमें लपेटा करते थे, ठीक है, उसमें रस्सी बना करके, उसी तरह उसको बोलते हैं कताई हो रहा है। तो सूत की कताई होती थी स्पिनिंग फ्रेम द्वारा, ठीक है। तो पहला तो आविष्कार हो गया 1769 में, स्पिनिंग फ्रेम बड़ा धीरे धीरे काट रहा था सूत, लेकिन कोई बात नहीं, रिचर्ड आर्क राइट ने क्या किया? सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किया। स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किसने किया? तो रिचर्ड आर्क राइट ने किया। कहाँ के निवासी थे? वाल्टा निवासी थे। ये चलती कैसे थी? तो ये वाटर यानी जल शक्ति से चलती थी। किससे चलती थी? जल शक्ति से चलती। यानी जल शक्ति का मतलब क्या? मान लीजिए कि ऐसे पंखी लगा दो, ठीक है, इस पर पानी ऐसे गिरेगा तो ये घूमेगा, और जब ये इस पर पानी गिरेगा तो घूमेगा कि नहीं, और जब वो घूमेगा तो अपने से ऐसे गोल गोल घूमेगा जैसे चरखा घूमता है। तो हाथ से ऐसे चरखा चलाने की जरूरत नहीं है, वो पानी से चरखा चल जाता था और थोड़ा सा जल्दी काम आ जाता था, ठीक है। एक सबसे वीवीआई आपके मैट्रिक के एग्जाम के लिए, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिए जेम्स वाट ने किया है। किसने किया है? जेम्स वाट। कब किए हैं? तो ये भी वही 1769 में ही किए हैं। 1769 में पहला काटने वाला मशीन बना और क्या बना? जल शक्ति से ये जल शक्ति से चलता, और जेम्स वाट ने वाफ इंजन बनाया, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए इसके ठीक एक साल के बाद एक बोला कि बाप रे तो एक ही को धागा काट रहा है, एक ही को सूत काट रहा है, ठीक है, एक ही को धागा को लपेट रहा है, कुछ ऐसा मशीन बनाए कि कुछ ज़्यादा धागा को लपेटे। अब भाई जब जैसे जैसे मांग बढ़ेगा वैसे वैसे दिमाग भी खुलेगा कि जल्दी करें। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसा मशीन बनाया जो एक बार में 8 सूत काट सकता है, ठीक है। इसका नाम ये देखिए स्पिनिंग जेनी नाम है इसका। अब देखिए किसने आविष्कार किया? जेम्स हारग्रीव्स ने आविष्कार किया। कहाँ के थे? तो एस्टेड हिल के थे, और एक पहिया में 16 तकुए लगे थे। अब समझिएगा यहाँ पे एक ही गो है, एक गो तकुआ का मतलब होता है गीटी, समझते हो, जो मशीन में ऐसे लगता है ऐसे गीटी हुआ करता है, ठीक है, इसमें धागा वगैरह लपेटा जाता है। तो एक बार में 16 गो धागा में लपटाता था और इस तरह से 8 गो लंबा लंबा सूत कट जाता था। तो ये एक गो सूत काटता था, ये 8 गो सूत काटता था, और ये किससे चलता था? तो एक गो पहिया से चलता था और उसमें 16 गो तकुआ लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ देखिए फिर उसके बाद से 73 में सोचा कि अरे बापरे अभी और फास्ट चलने वाली मशीन चाहिए, तो और फास्ट चलने वाली वही मशीन बना, ठीक है, जिसका नाम है फ्लाइंग शटल। हवा की तरह, फ्लाइंग मतलब क्या होता है? उड़ करके ऐसा लग रहा है।
फ्लाइंग शटल का आविष्कार, जुलाहे का काम तेजी से हो गया, जुलाहे वाला जो धुनने वाला काम है तेजी से हो गया। किसने किया? जॉन के ने किया। किसने किया बाबू? जॉन के ने। लंका शहर के थे, ब्रिटेन में ही लंका शहर आता है। अब देखिए उसके ठीक 1779 में स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया। ये तो देखिए सूत तो फास्ट कटने लगा लेकिन मोटा मोटा कटता था, तो ये बारीक सूत काटता था। और ये देखिए कौन थे? सैमुअल क्रॉम्पटन थे, ये याद रखिएगा। अगला देखिए पावर लूम का आविष्कार 85 में हुआ। वाष्प से ये चलता था। किससे चलता था? वाष्प, क्योंकि वाष्प से चलने वाली मशीन बहुत पहले किसने बना दिया था? जेम्स वाट ने बना दिया था। ये याद रख लीजिए बाबू, कई बार पूछेगा जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया? वाष्प इंजन का आविष्कार किया। बहुत बार पूछता जेम्स वाट, वाट से वाष्प, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए दो गो और है, अब ध्यान से समझिए इस पूरे को। वेनर ने बनाया कपड़ा छापने का यंत्र, और टॉमस बेल ने बनाया बेलनाकार छपाई। अब देखिए इसने शुरुआत की, ये थोड़ा सा बढ़ा दिया 8 घोसो, ये काम को तेजी कर दिया, और जब तेजी हो गया तब पतला पतला धागा ये बना। उसके बाद से वाटर लूम बना जो वाष्प से चलता था, तनी ज़्यादा काम होता था उससे। ठीक है, उसके बाद देखा कि भाई कपड़ा तो बन जा रहा है तो उस पर तो ने फोटो वोटो रहेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बेनर बोला कि कपड़ा छापने का एक वो यंत्र बना, देखिए फोटो रहेगा। अब बोला कि भाई एक ही टाइप का बार बार छपा रहा है, तनी गोल कटेगा, तनी त्रिभुज टाइप का फोटो छपेगा तो अच्छा लगेगा। तो एक वो आया तो बेलनाकार छपाई शुरू कर दिया। उसके बाद से तो लगे बाप रे, ब्रिटेन में इतना सुंदर सुंदर कपड़ा छपने लगा, लोगों के दिमाग में बैठ गया, बस और धंधा तेज हो गया। ठीक है, अब तो जगह नहीं बचा था कि मशीन कहाँ बैठाएं, बाजार पूरा भर गया था। तब जाके अंग्रेजों ने कहा कि बाप रे हम लोग का बाजार भर गया है तो चलते हैं हम लोग एशिया के तरफ, वहाँ अपना नया बाजार खोलेंगे, यहाँ तो भर गया, सब व्यापारी हो गए। तब वो आया एशिया के तरफ, तो हम लोग वो अगले लेयर में देखते हैं। अब यहाँ देखिए फैक्ट्री तो पूर्ण रूप से पूरा बन चुका था, लेकिन यहाँ एक चीज़ की कमी हो गई। खाली पूरा हर एरिया में फैक्ट्री दिखेगा तो फैक्ट्री में माल भरने के लिए यानी कि कच्चा माल चाहिए कि नहीं। मान लीजिए कि आप मिल बैठा लिए आटा वाला, फ्लावर मिल उसको बोलते हैं आटा वाले को, और गेहूँ मिल में ना करे यानी गेहूँ को कच्चा माल बोलते हैं, तो कहीं से उत्पादन चाहिए ना, या फिर किसी किसान से बोलिएगा आप कि जा करके तुम क्या करो, गेहूँ उपजाओ, हम अपना मिल तैयार किए, तो कच्चा माल की कमी हो गई। अब कच्चा माल ढूंढने के लिए लोग इधर उधर घूमने, इस तरह से उपनिवेश का निर्माण हुआ। उपनिवेश का मतलब क्या होता है? कोई दूसरा देश आएगा और आ करके और अपना कब्जा कर लेगा, तो वो देश जो आएगा ना वो उपनिवेश होगा और हम लोग उपनिवेशी बन जाएंगे। ठीक है, यहां देखिए कच्चा माल के लिए यातायात में सुधार। एक और बात, गांव से सब प्रोडक्ट लाना था ना, जितना भी कच्चा माल खेत में से निकलेगा कंपनी में जाएगा तो गांव से लाना था, तो बहुत समय लग जाता था लाने में। इसी के लिए रोड वगैरह का सुधार हो गया, रेलवे की सुधार हो गई। इसके बाद से अगर ज़्यादा दूर होता था तो नाव जहाज वगैरह जितना भी इस सब में सुधार हुआ। तो इस हिसाब से जब उद्योग में सुधार हुआ तो सड़क वगैरह अपने से सुधार गया, व्यापारी लोग सुधार दिए। ठीक है, यहाँ देखिए नदी पोतों द्वारा ये सब माल वगैरह आने लगा। अब देखिए औद्योगिकरण में वृद्धि, ये तो ठीक है कि औद्योगिकरण में वृद्धि हुई, पूरा उद्योग धंधा चलने लगा। ब्रिटेन के उपनिवेश द्वारा यानी औद्योगिकरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि एक ही जगह से हुआ है, ब्रिटेन के उपनिवेश। यानी समझिएगा आखिरकार सबसे ज़्यादा मशीनीकरण कैसे हुआ, ब्रिटेन जहाँ जहाँ कब्जा किया था, ठीक है, जहाँ जहाँ जाके व्यापार शुरू किया था वहाँ से कच्चा माल लाता था और अपने यहाँ फैक्ट्री में बनाता था, फिर बेचने लेके चला जाता था या अपने यहाँ बेचता था, लेकिन लास्ट में क्या किया, माल लाने वाला झंझट खत्म, फैक्ट्री वहाँ बैठा दिया, वहीं से माल वहीं का लगा के उसी बाजार में बेच करके सिर्फ पैसा अपने यहाँ लाता था। ठीक है, तो ये सिस्टम चलने लगा, तभी तो आ करके हम लोग के यहाँ कब्जा करने लगा। ठीक है, और सारा पैसा ब्रिटेन भेज देता था। कच्चे माल का उत्पादन सस्ते दामों में करने लगा, क्या करने लगा, अपने उपनिवेशों से जहां वो गया था ब्रिटेन यानी अंग्रेज जहां आया था वहां पे आ करके क्या किया, कच्चा माल जबरदस्ती किसानों से बोला कि तुम जूट की खेती करो, कपास की खेती करो, और वहां से टोटल चीज निकाल करके और लेके चल जाता था कंपनी में और सस्ता में ले जाता था क्योंकि मजबूरी है यहां पे। और एक और बात, मजबूरी कैसे है, इंडिया में छोटे छोटे उद्योगपति थे यानी छोटा छोटा मशीन रखे थे और वहाँ पे बड़ा बड़ा मशीन रखा गया था, तो मान लीजिए कि यहाँ के उद्योगपति जाएंगे किसान के पास तो 10 किलो 12 किलो कोई चीज़ लेंगे और वो आएगा तो 50 क्विंटल 60 क्विंटल लेके जाएगा, तो सभी किसान उसी को दे देते थे। इस हिसाब से छोटे उद्योगपति का हालत खराब हो गया, कोई इनको देता ही नहीं था, तो बाद में वो कंपनी में काम करने लगे और अपना उद्योग धंधा बंद कर दिए। तो इस हिसाब से बताइए छोटा उद्योग धंधा जिसको कुटीर उद्योग बोलते हैं ये बंद हो गया और बड़ी बड़ी कंपनी उतना औकात था नहीं, इसीलिए बड़ी कंपनी में छोटे व्यापारी काम करने लगे। यहां देखिए 18वीं शताब्दी में
भारतीय उद्योग विश्व में अधिक विकसित था, बहुत ज़्यादा विकसित था 18वीं। आपसे पूछा जाएगा भारतीय उद्योग विश्व में कब विकसित था, सबसे ज़्यादा 18वीं शताब्दी में विकसित था। अब देखिए ब्रिटेन हुकूमत द्वारा चार्टर एक्ट, अब देखिए ब्रिटेन द्वारा एक नियम लगाया गया, चार्टर एक्ट लगाया गया, उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य समाप्त कर दिया गया और व्यापार को स्वतंत्र कर दिया गया। यानी आप कहीं भी जाकर व्यापार कीजिए, किसी प्रकार का रोक नहीं रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी रोक रही थी लेकिन ये भी अब नहीं रोकेगी, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया, चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब देखिए 1850 की बात बता रहे हैं, राज की बात समझिएगा। ब्रिटिश उद्योग का विकास खूब हुआ, ठीक है, ब्रिटिश में खूब लोग मतलब आकर के फैक्ट्री वगैरह खूब खोले, लेकिन एक कमी हुआ, देसी उद्योग खतरा में हो गया। जो अपने देश में चल रहा था वो खतरा में तो हो ही गया ना, क्योंकि ब्रिटिश उद्योग पूरा छाया हुआ था और वो सस्ता देता था। आप देखिएगा किसान द्वारा हर चीज़ उपजाया जाता है, उपजाने में मेहनत लगता है, लेकिन जब वो बेचता है तो सस्ता बिकता है। आप कोई चीज़ बनाइएगा, जैसे मान लीजिए कुम्हार का एक मटका है, बड़ी मेहनत लगता है, ठीक है, तब उसे 50-60 रुपये में बिकता है। और उससे अच्छा एक कटोरा का बात करें तो उतना ही पानी वगैरह चाहे सामान रखेगा, वो 10-12 रुपए में मिल जाता है। तो वो क्या हुआ, ब्रिटिश उद्योग हो गया, मिट्टी का बर्तन मेहनत भी ज़्यादा लगा और वो क्या हुआ, सस्ता भी है, मतलब बिकेगा भी नहीं। इस हिसाब से क्या हुआ, देसी उद्योग में खतरा में हो गया। 1850 के बाद भारत में कारखाना की स्थापना। अब अंग्रेज सोच लिया, ब्रिटेन के लोग, कि अब यहाँ से कच्चा माल नहीं ले जाएंगे, हम यहीं इंडिया में आकर के, एशिया में आकर के फैक्ट्री बैठा लेते हैं, यहीं पे कच्चा माल किसानों से उपजवाएंगे और उपजा के फैक्ट्री में यहीं पे बेच भी देंगे। अब बेचने के बाद जो पैसे की कमाई होगी वो अपने यहाँ ले जाएंगे, उतना क्या ढो के ले जाना बार बार, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगे। तो देखिए फैक्ट्री की स्थापना से लेकर के कहाँ से कहाँ तक ये लोग पहुँच गया, ठीक है। अब देखिए छोटे उद्योग पति मजदूर बन गए, छोटा छोटा जो बताया था ना उद्योगपति था, लो जो अपने एरिया में बिजनेस किया था, वो भी अब मजदूरी का काम करने लगे। भारत में अब आ गया, 1850 के बाद से भारत में कारखाना खुला है, तो 50 के बाद क्या होता है, 51, तो 51 में सबसे पहले इंडिया में कारखाना खुला। किस चीज़ का कारखाना, यहाँ देखिए भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना 1851 में, 50 के बाद 51 में सर्वप्रथम सूती कपड़ा का मिल बैठा, कहाँ पे, मुंबई में बैठा। याद रखिएगा सबसे पहले सूती कपड़े के मिल की स्थापना कहाँ हुई, तो मुंबई हमको जम गई, ठीक है। उसके ठीक 3 साल के बाद यानी 1854 में, 51 में ही तो ये हो गया, 1851 में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल का कहाँ हुआ, स्थापना हुआ, मुंबई में, ठीक है। अब देखिए 1854 में पहला कारखाना बना और किसने बनाया, तो कावस जी नानाजी दभार। याद रखिए कावस जी नानाजी दभार ने सबसे पहले कारखाना निर्मित किया यानी बनवाया, याद रखिए 54 में। अब देखिए 54 से लेकर 80 तक, अब तो देखा देखी सब कोई फैक्ट्री खोलने लगा, 51 में शुरू हुआ और 54 में दभार जी, ठीक है, ये का किए कारखाना खोले। उसके बाद से 54 से लेकर 80 तक 30 कारखाना खुल गया, ठीक है, जिसमें 13 पारसी लोग थे, पारसी लोग सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे, ठीक है। आप फिरोज गांधी का नाम सुने होंगे, आपको ऐसा लग रहा हो कि वो मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम नहीं, पारसी थे, क्या थे वो बाबू, पारसी थे, सबसे ज़्यादा ये व्यापार पर भरोसा करते हैं। 1854 के बाद 80 तक 30 फैक्ट्री बन गया और 80 से 95 तक 39 हो गया, ठीक है, और उसके 95 से लेकर के 2014 तक 144 कारखाना हो गया। देखिए कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अब जब कारखाना खूब ज़्यादा होगा तो बताइए मजदूर चाहिए कि नहीं, तो अब इंडिया में सब लोग मजदूर बन गए थे उस समय, छोटे बड़े बूढ़े जितने भी थे, औरत महिलाएं तक सब मजदूर बन गई थी, ऐसा हम लोगों के साथ हुआ था। क्योंकि हम लोग का कुटीर उद्योग हाथ से जो भी धंधा वगैरह करते थे, अपने से खेत में उपजा के अपना बनाते थे, वो सब बंद हो चुका था, ठीक है। और उस समय देखिए क्या हुआ, 1881 में पहला फैक्ट्री एक लग गया, पूरा लोग उब गए थे, क्योंकि काम ज़्यादा करवाता था अब पैसा देता ही नहीं था, तो उब गए थे। तो पहला फैक्ट्री एक्ट लगा और उस फैक्ट्री एक्ट में क्या, फैक्ट्री में जितने भी काम करने वाले मजदूर हैं वो क्या करेंगे, 7 वर्ष से कम के उम्र के जो भी बच्चे हैं वो काम नहीं करेंगे, और 7 वर्ष से तो अगर ज़्यादा है, थोड़े से अगर बड़े हो गए तो काम कम करेंगे, उनको कम काम करना है, अब महिलाओं को भी कम काम करना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 7 वर्ष से कम के बच्चे को काम नहीं करना है, ये किस एक्ट के तहत, तो पहला फैक्ट्री एक्ट 1881। आप याद रखिए 18 को पलट दीजिएगा फिर 81 हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग, अंग्रेज ने तो अपना काम दिखा दिया, लेकिन इंडिया में भी बहुत पैसे वाले लोग थे, ठीक है। अब इंडिया के लोग सोचे कि
दूसरा देश के आदमी हमारे यहाँ आके व्यापार कर रहा है, हम यहाँ व्यापार करेंगे तो हम अपने देश का विकास करेंगे ना। तो इंडिया के लोग कुछ जो दिमागी थे वो आकर उद्योग में बहुत अच्छा बिजनेस मतलब दिमाग चलाते थे, वो यहाँ पे आए। देखिए अब यहाँ पे 1917 की बात बता रहे हैं, कई वो इससे 1917 से घटना जुड़ा है, रूस की क्रांति 1917 में हुआ था। भारत में पहला जूट मिल बना, अब देखिए भारत में पहला कपड़ा मिल कब बना, तो यहाँ सूती कपड़ा मिल मुंबई में बना कब, 51 में। लेकिन जूट, जूट समझते हैं आप, देखे होंगे आलू का बोरा, देखे हैं आलू का बोरा जो होता है वो बोरा जूट से बनता है, ठीक है। वो सबसे पहले कहाँ बना, कलकत्ता में, एक और कलकत्ता में अभी भी सब इसका फैक्ट्री है जूट का, बहुत पहले वहाँ बोरा वोरा लोग बनाते थे, ठीक है। भारत में पहला जूट मिल कलकत्ता में बना, किसके, एक मड़वाड़ी बनाया था जिसका नाम था हुकुम चंद। ये कई बार पूछा है कि हुकुम चंद द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई, कपड़ा मिल, जूट मिल, ऐसे बहुत सारा रहेगा। तो सबसे पहले ये जूट मिल का आविष्कार किया 1917 में हुकुम चंद, ठीक है, पहले हुकूमत इसी ने किया है जूट पर, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जूट फैक्ट्री खुले 17 के बाद। 18 में पहला लिमिटेड कंपनी का स्थापना हुआ, लिमिटेड यानी कि भाई तू बेचेगा लेकिन लिमिट में। आप देखें ना कहीं कहीं लिखा रहता है पीबीटी, पीबीटी मतलब होता है क्या, पीबीटी प्राइवेट लिमिटेड। तो लिमिटेड कंपनी कौन, बिड़ला ब्रदर्स द्वारा स्थापना हुआ है, बिड़ला ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी है। फिर इसके एक साल के बाद 1919 में बिड़ला जूट, पहला जूट मिल बनाया हुकुम चंद ने 17 में, लेकिन बिड़ला भी क्या कर दिया, खोल दिया, ये दोनों फैक्ट्री इसी का है, ठीक है, लिमिटेड वाला भी और जूट कंपनी बिड़ला जूट 1919 में। अगला देखिए 1920 में सूती कारखाना खोला, किसने खोला, ग्वालियर में, जिनका नाम था जियाजी राव, क्या नाम, जीजाजी मत बोलिएगा, जियाजी राव ने 20 में खोला था सूती कारखाना, ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखिए थोड़ा सा इधर आइए, ये कई बार पूछा गया है आपसे, पूछेगा बाबू आपसे क्वेश्चन कि सबसे पहले भारत में कोयला उद्योग कब शुरू हुआ, तो 1914 में शुरू हुआ, कब शुरू हुआ 1914 में। देखिए 14 पहले याद रखिए, फिर 17 भारत वाला बात बता रहे हैं, वो भारत में ही हुआ था, 14, 17, 18, 19, 20 ये लाइन से याद रखिएगा। 14 में कोयला का स्थापना हुआ, उसके बाद से भारत में जूट की स्थापना हुई, ठीक है। कोयला की स्थापना होने के बाद से बहुत सारे बिजनेस में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि बहुत सारे आग की जरूरत होती थी ना, तो उस समय कोयले की जरूरत पड़ेगी, तो कोयला उद्योग का स्थापना 1914 में। और एक इंग्लैंड की राज की बात, इंग्लैंड में ना बहुत गुलाम, इंग्लैंड तो अपने यहां लोगों से उब गया था, ठीक है, वोट किसी को देने ही नहीं देता, तो वोट देने का अधिकार, मत अधिकार, वयस्कों के लिए मत अधिकार 1918 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब फिर आते हैं यहां पर बिहार आते हैं, फिर भारत में ध्यानचंद दास बिरला, हम इनको बहुत ग्रेट मानते हैं, ध्यानचंद जी को बड़ी ध्यान लगा के सोचते थे, ध्यानचंद जी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ध्यान लगा के सोचेंगे कौन, ध्यान से ध्यान, हम सबसे ग्रेट मानते हैं घनश्याम दास बिरला को, ठीक है, ये भी बिरला है, ये भी बिरला ग्रुप के हैं। अब देखिए घनश्याम दास बिरला बहुत ही महान व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया, अंग्रेज जितना फैक्ट्री खोला था ना, वो फैक्ट्रियाँ चलते हुए फैक्ट्री को खरीद लेते थे और अपना बिजनेस शुरू कर देते थे, तो ये व्यक्ति हैं, ऐसे अंग्रेजी कंपनी से चालू कारखाने को खरीद करके व्यापार को बढ़ाना शुरू कर दिए, ठीक है। हमको प्राउड होना चाहिए, ये जमशेद जी टाटा, आप देखिए होंगे टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा की गाड़ी अपने यहाँ तो चलता ही है, ये सब किसका है, जमशेद जी टाटा का है। 1907 में इन्होंने पहला लोहा का यानी कि टाटा आयरन स्टील की स्थापना की। सीमेंट उद्योग कब बना, तो 1930 में बना, कब बना 1930 में। शीशा उद्योग कब बना, 1930 में, तो 24-30 ये 6 साल के अंतराल में ये सब बना है। तो यहाँ देखिए 20 के बाद से 24, 24 के बाद से 30, ये याद रखिएगा आपका। थोड़ा सा अब इधर हम लोग झांक लें, क्या झांक लेना है, तो यहाँ बैंकों की स्थापना, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1895 में, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में, ठीक है, इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में, सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 में, ये आपसे पूछेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ही ले लीजिएगा, अभी तो पूरा भर चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, बाबू आपको समझ में आया ना तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर खूब अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से समझ में आया, इतना तो जरूर आप कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही
ही टॉपिक के साथ, और इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा सामाजिक विज्ञान का पूरा संपूर्ण सामाजिक विज्ञान लेकर के आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और वीवीआई सब्जेक्टिव। जो गेस करेंगे ना बाबू एकदम वही आएगा, बाबू ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, प्रश्न चार पाँच है लेकिन उसका आंसर एक ही है, प्रश्न कोई भी हो उत्तर वही होगा। आपको यहाँ से पूर्ण रूप से 500 में 400 के एवं 470-80 आपको आएगा ही आएगा। तो फिर मिलेंगे हम बाबू अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।